कुवैत में आना सेफ है कि नहीं। थैंक यू मेरा भाई, चेस एंजॉय। भाई ने कॉफी बनाया, भाई शक्कर भी डाला क्या? तो कॉफी पीकर निकलता हूँ आगे की ओर, थैंक यू बोलता हूँ उसको और मजा आ जाता है। थैंक यू सो मच भाई। ये लुल्लू में ऑफर चल रहा है, बट यहाँ पे मैं सामान लेने के लिए आया, मेरे को महंगा पड़ रहा है यार, क्या करूँ। 300 फिल्स का हो, 300 फिल्स पीनट एंड 300 फिल्स चिक पीस, चिक पी एंड पीनट, पीनट या लास्ट में जार में क्या मस्त रखा हुआ है। थैंक यू। मस्त निकालने का तरीका है, मैं तो ये ले ले रहा हूँ भाई इसमें से। नंबर वन, थैंक यू ब्रदर, डन 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 डन। सो ये चीज ले लिया, अब खाली बनाना लेना है और भागना है, तो मतलब मेरे को कल बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं यही सोच रहा था कि क्या लूँ क्या लूँ। भाई बहुत सीन चलते रहते हैं। और आप फ्रूट का सेक्शन, कितने सारी चीज़ें ऑफर में लगी हुई है आप लोग को देखने मिल रहा है। तो ये मेरे को 280 फिल्स 285 का ये ले लिया, सॉल्टेड है, बस खाने में मज़ा आ जाएगा, जेब में रखो और निकलो। ये रहा बनाना, बनाना 525 फिल्स का चल रहा है और ये 585 फिल्स का, अब देखते हैं। तो भाई सामान खरीद लिया, मेरे पीछे देख लो ब्रो लोग आ रहे। मेरा सामान भूल गया मैं, चल भाई। इसके अंदर मेरा टिफिन था, नहीं तो फिर वाट लग जाती, कल टिफिन लाने में मिलता। बस बहुत सारा सामान खरीद लिया, बट एक दिन यार 700 का पड़ा हुआ है। बस भी आ गई, चलो भाई जल्दी 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 जल्दी। एक खुल आ गया, डन। डीके बाजी कैसे हो, नींद आ रही है? अभी एक सीन हो गया, हमारे जो तनुज भैया है ना, हम लोग ने ना मतलब होटल वाले पे फोन किया, तो उसका नाम अन्ना है, अब पता नहीं अन्ना ही है कि कुछ और है। हेलो अन्ना, किधर है? उसको ऑर्डर देने के बदले उसको पूछ रहा है कि तू किधर है, वो बोलता है मैं होटल पे हूँ। तो भाई ने फाइनली भी ऑर्डर दिया, उसकी भी ले लिया। नहीं, आई एम गुड राइट नाउ। अनिल कपूर वाले बाल, अनिल कपूर वाले। अच्छा, हमको सिखा रिया है, गजब बेइज्जती है भाई, गजब बेइज्जती है। क्या था तेरा आज, किसका बर्थडे? फेक बर्थडे मत मनाओ। तेरा क्या था आज? डे ऑफ तो हो गया, ट्रेनिंग था, ट्रेनिंग कैंसिल हो गया भाई का। और ये तो अब भी ड्यूटी पर से आ रहा है, और मैं भी कपड़े उतार के बैठा हूँ, कपड़े यहाँ पे पड़े हुए गंदे। तूने कपड़े वॉशिंग करने में डाले? हाँ। तो मेरे को ये सेक पूछा यार, मेरा सेल इतना हुआ, तो भाई दोनों जन क्लैप करने लगे। सच में यार सेल हुआ, और झंडे उखाड़ के आए, दो स्टाफ, दो और क्या चाहिए भाई, दो लोगों से मिलकर 96 बहुत होता है। सुबह का गया और अभी आया स्टाफ। हाँ, एक स्टाफ रहता हाँ हमारे शिफ्ट में। और सेल कितना? टारगेट तो 900 चेंज है, हमने उखाड़ लिया भाई, 86 बहुत होता है हमारे लिए। अगर तुम्हें एक स्टाफ को, अगर तुझे एक स्टाफ को अब 13 में डाले मिड शिफ्ट में, क्या करेगा? क्या करेगा, क्या काम करने आया तो काम करेगा ही। तो दोस्तों के साथ में रात में बात करने के बाद में मैं जाता हूँ नहाने की तरफ, अब नहा कर आता हूँ और अपने कपड़े और तौलिए को साइड में रखता हूँ। फिर बाद में मुझे याद आता है कि यार हमें तो वॉशिंग में अपने कपड़े धोने थे, और ये नई वाली वॉशिंग मशीन थी, तो अपने पुराने बांस मारते हुए कपड़े इसके अंदर डाल देता हूँ और बंद करके फिर हम खाने का इंतज़ार करते हैं। हमने ऑर्डर किया था मटर पनीर एंड पराठा, भैया टेस्टी तो था ही, बट क्या करें, भूख लगी होती है तो सब कुछ समझ में। इतने दिन का भूखा जैसे कि बहुत दिन के बाद मिला है, भैया ठूस ठूस के खाते हैं और फिर मज़ा आ जाता है। तो इसी के साथ में भैया हो गया अपना खाना वाना ख़त्म, अब बस चाहिए ऐसा आराम करना, बस सोने मिल जाए बस, और कोई पैर मीनने वाला मिल जाए। मेरा ये घुटना पता नहीं क्यों दर्द कर रहा है।
बहुत तगड़ा वाला, बट कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे पास में रखा है मूव, अब मूव को लगा के सो जाएंगे। नहीं अभी मेरे कपड़े धो रहे हैं ना, पहले कपड़े पूरा वगैरह ले आऊँ एंड उसको सुखाने में डाल दूँ, फिर उसके बाद में मूव लगा के करके सोना है और सुबह वापस उठने के बाद में बात करना है आप लोगों से। तो अभी के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं इन द मॉर्निंग में, ओके बाय। A few moments later. फिर अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, मैं उठता हूँ अपने बदन को तोड़ते हुए, मुंह पर हाथ फेरते हुए, फिर उसके बाद में अंगड़ाई लेते हुए उठकर अपने मंजन के डब्बे को उठाकर बाथरूम में रखते हुए फिर भैया मंजन करते हुए बहुत ही मज़ा आता है। ये रियलिस्टिक सा क्या चल रहा है मेरे लाइफ में भैया। ये जॉब पे जाने के लेट होते थे, मैं फटाक से उठता हूँ और फिर भाग के जाता हूँ किचन में कि दोस्त ने क्या बनाया है मेरे लिए। देखता हूँ तो उसने दाल, फिर उसने राइस, भाई साहब मज़ा आ जाता है। फिर सोचा कि यार ये तो सूखा पड़ गया, फिर मैं चाहता हूँ कि यार देख अंडे बना लेता हूँ। फिर मैं अपने अंडे लेता हूँ, उसको मस्त अंडे भुर्जी की तरह बनाता हूँ, फिर उसके बाद में खाने बैठता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, भूख लगी होती है, खुशी के मारे इतने फूले नहीं समाता हूँ। तो बैठता हूँ अपने दाल चावल को सानता हूँ साथ में अंडे भुर्जी को, भाई साहब खाते 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 फिर टाइम हो जाता है जॉब पे जाने का, मजा आ जाता है। चलते हैं, एक घंटा बचा है, एक घंटा में थोड़ा विश्राम करेंगे और चलेंगे वापस से काम पर। बट जो चीज़ें हैं जो होगी वो तो चलती रहेगी। तो ये है निरमा का पाउडर, ये सारे मतलब कंपनी में जो मेनिस का कहना था ना, तो हम लोग उसको वॉश करके इसमें अंदर अपना निरमा वगैरह भर देते हैं तो इसमें यूज़ करने के लिए। तो कल भाई कपड़ा मेरा एकदम अच्छे से ड्राई हो गया, एक ही बार कोई झंझट ही नहीं। खाली ये वाला बटन दबा दो और इसको है ना 15 सेकंड पे लगा दो, यहाँ से लेकर यहाँ पे लगा दो, ये छोटा वाला दिख रहा है ना इधर पे, ये 15 सेकंड डेली वॉश लगा दो, फिर ये बटन दबा दो, सब कुछ इसके अंदर हो जाएगा। धान 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 और इसको ऐसा खोलने का, यहाँ पे अपना ना निरमा डाल देने का, अंदर पानी जाएगा, पानी के साथ में निरमा अंदर जाएगा, तुम्हारा कपड़े वॉश हो जाएंगे मस्त। ऐसा जिंदगी जीता भाई। तो आ गए हैं भैया अपने बस के यहाँ पर एंड जी हाँ, मेरी डेली लाइफ ऐसे ही शुरू होती है, उठना, खाना, पीना, सोना, जिम जाने का मन किया तो जिम जाना, नहीं तो फिर से उठना, खाना, पीना, सोना, जिम जाने का मन किया तो जिम जाना, तो यही ऐसा चलता रहता है। ओहो सही दिख रहा है तुम्हारा भाई अभी तो। चलो हाँ, मैं बोलती आ रहा यार, कुछ लोगों का ये क्वेश्चन है यार, यहाँ पे इतनी ज़्यादा साउंड कर रही है इसी का, पूछो मत। और वहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ है, मैं वहाँ पे बातें करूँगा तो वो सुनेगा। एक्चुअली मसरी है इससे, मुझे मसरी है इसलिए वजह से मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उसके पीछे मैं जाके गिर थोड़ा करूँगा, समझ में आएगा फिर आपको। ये साइड में आया था, स्विमिंग पूल एरिया के साइड में है, आपको दिखाता हूँ। स्विमिंग पूल कब भरेगा पता नहीं है, बट अपना जो इधर रखते हैं सामान। हाँ मैं बोल रहा था कि यार कुछ लोग है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी यहाँ पे ना बैठ जाऊँ क्या यहाँ पे, हाँ आई बैठ जाता फिर पूछना पड़ेगा मेरे पिछवाड़े। हाँ मैं बोल रहा था कि यार, हाँ मैं बोल रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताऊँ क्यों। कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा है ना कि यार यहाँ पे जो फिलिस्तीनी और जो इजराइल का वार वगैरह चल रहा है इसका क्या सीन है, तो इसकी वजह से क्या इफेक्ट हुआ है। तो भाई साहब धंधे में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, सेल बहुत ज़्यादा लो हो गया है। अमेरिकाना जो कंपनी है ना अमेरिकाना, उनके तो कुछ बंदों को 7 दिन के लिए 15 दिन के लिए छुट्टी दे रहे हैं कि तुम अकोमोडेशन पे रुको, फिर बाद में जब थोड़ा सेल पिकअप करेगा तब आना, तब ऐसा सीन कर रहे हैं। अब हमारी कंपनी में ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, क्या पता हो भी सकता है, किसी को कुछ भी भरोसा नहीं है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार वहाँ पे ऐसा सिचुएशन चालू है, अगर वार वगैरह होगा तो क्या कुवैत में आना ठीक है कि नहीं। भाई साहब कुवैत सेफ है, यहाँ पे कुछ ऐसा इशू नहीं चल रहा है, खाली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं उसकी वजह से जो ये सारे प्रोडक्ट हैं उनको खाना पीना बंद कर रहे हैं। अब इसकी वजह से सेल इतना डाउन हो गया, इतना डाउन हो गया, इसीलिए हमें ओवरटाइम वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमें क्या, किसी भी कंपनी में जो QSR है, जो फ्रेंचाइजी है US की कंपनी से है, तो उसकी सारी ऐसे उनको पता नहीं क्या दिमाग में थॉट्स हो रखा है कि यार वो लोग कहाँ इधर पे चल रहा है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, ये सब ज़्यादा डीप में घुसूंगा नहीं, ये तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, तो ये सब की ज़रूरत नहीं है। बट मैं बोलना चाहूँगा, अब मेरा हाथ दुखने लग गया, हाथ दुखने लग गया। हाँ तो ये जो 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 सीन चल रहा है अभी सिनारियो, वो भाई वॉर की वजह से। एंड कुछ लोग और भी और 2-3 जन का मैसेज आया, भाई आऊँ कि नहीं आऊँ, सेफ रहेगा कि नहीं सेफ रहेगा, सैलरी ऑन टाइम मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कल को कुछ होता है तो हु विल टेक, हु विल
टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस वन। तो यार कंपनी इतनी बड़ी है, जाहिर सी बात है अपने बंदे लोग को भूखे थोड़ी मारेगी, कुछ ना कुछ तो उपाय करेगी। और सैलरी की बात रही तो भैया आपका जो ऑफर लेटर पर बेसिक सैलरी लिखा हुआ है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा हर हाल में। तो मतलब कंपनी बहुत बड़ी है यार, डोंट थिंक अबाउट इट निगेटिव। मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि यार ऐसा सीन चालू है, ऐसा कुछ हो गया तो क्या हुआ, मेरे नसीब का जो कुछ लिखा होगा वो तो मेरे को मिलेगा ही। और कुछ लोग बोलते हैं आने के बाद में पता लगा अब सैलरी नहीं मिला तो क्या करूँगा। भाई साहब सैलरी मिलेगा, टेंशन ना लो, इतनी बड़ी कंपनी है, सैलरी मिलेगा चाहे किसी भी कंपनी में आ जाओ। खाली हाँ है कि आपको ओवर टाइम वगैरह नहीं मिलेगा, क्योंकि जब सेल ही नहीं हो रहा है तो कहाँ से देंगे ओवर टाइम। अगर सेल होता है ना बिंदास देती है कंपनी, और धीरे धीरे कंट्रोल कर रहे हैं अभी सब चीज़ों पर। बट हाँ यहाँ पे ऐसा कुछ भी, मतलब वहाँ पे वॉर हो रहा तो यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी वॉर वगैरह नहीं है। यहाँ पे बस यही जो फ्रेंचाइजीज है वो लोग का बिजनेस थोड़ा डाउन है। बट जो यहाँ के लोकल्स हैं ना, जैसे लोकल शॉप होता है नाइफ करके कंपनी है, लोकल शॉप है बर्गर इन करके शायद लोकल शॉप है, भाई उनके यहाँ पे तो खतरनाक भीड़ है। और जो इजिप्ट की जो भी कंपनी है, जो खबूस वगैरह नान ब्रेड, जो कुवैती जो अरेबिक फूड है, भाई सब उनके यहाँ पे दबा के भीड़ है। उनकी तो लग जाती है कि क्या खाएं क्या नहीं पिए, मतलब उनके इधर पे स्टाफ भी नहीं है, ऐसा सीन हो रखा है। बट अभी बोलते हैं ना प्रोडक्ट बायकॉट करो, कुछ क्या भी चल रहा है कुछ समझ में तो नहीं आ रहा अपने को। और मैं इतना खुल के बोल भी नहीं सकता हूँ कि यार क्या बताना चाह रहा है तू, समझ जाओ, जिसको समझदार को इशारा काफ़ी होता है। तो भाई ये मेरा जो थॉट था, जो मेरा थिंकिंग था, जो मेरा सीन जो चल रहा है यहाँ पर, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। बट हम लोग के ऊपर ऐसा कोई जुलूम नहीं हो रहा है कि यार तुमको खाने भी ना मार देंगे, तुम्हारी सैलरी रोक देंगे, ऐसा कोई भी जुलूम नहीं हो रहा है। खाली ये ओवर टाइम रोका गया है, वो तो ठीक है ना यार, वो तो अंडरस्टैंड सिचुएशन, अंडरस्टैंड सबको समझ में आता है कि कैसा सीन है। तो हाँ जी हाँ, अभी सब मतलब सब मजे कर रहे हैं, 8 घंटे की ड्यूटी करके आके सबके सब सो रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, फैमिली में बात कर रहे हैं। तो मैं भी वही कर रहा हूँ, फैमिली में मोबाइल चला रहा हूँ, घर पे अपने ब्लॉग बना रहा हूँ, वीडियो मतलब वीडियो को एडिट वगैरह कर रहा हूँ, यही सब चल रहा है मेरे लाइफ में। बस आप लोग बताओ आपका क्या चल रहा है, बाकी सब तो बढ़िया है यार। और घबराने की कोई बात नहीं है, अगर आपको आने का मौका मिल रहा है तो भाई साहब आओ, एंड सबसे बढ़िया ही है यार आओ। देखो बोलते बोलते मेरा गला भी सूख गया, मेरा होंठ भी सूख गया। अभी ठीक है, ओके आओ एंजॉय करो अपनी लाइफ को और मजे करो यार। बस वीडियो को समाप्त करते हैं, मैं ऐसी जगह पे बैठ गया हूँ, ये पूरा गंदा है, आई होप सो कि मेरा पैंट ना गंदा हो गया होगा यार। ठीक है अभी तो चलो चलते हैं, मेरी धन्नो वहाँ पे लग चुकी है, अब जाके उसके अंदर बैठ जाऊँगा एंड अपनी इस ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ। आई होप सो कि थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन, थोड़ा बहुत नॉलेज मिल गया होगा, कुवैत में आना सेफ है कि नहीं सेफ है समझ में आ गया होगा यार, सेफ है, आओ पैसा मिल रहा है तो आओ, बाकी आपकी मर्जी है। हम चले अपना झोला उठाकर बस में बैठते हैं, और वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बस बस तुमने क्या किया अनक हैरान। ये हो गया अपना सीट, अब बैठ जाते भाई। अलार्म बज गया 350 का। चलो चलो भाई गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।